ये आप क्या किया उनको खुद वापसी समझ नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। अच्छा तो यार, हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि अभी सुबह के 5 हो रहे होंगे, सुबह के 6 हो रहे होंगे, 6 नहीं सॉरी सुबह के 7 हो रहे होंगे, क्योंकि मैं रोज़ सुबह ही जाता हूँ इंटर्नशिप के लिए, लेकिन अभी शाम के 5 हो रहे हैं। अच्छा क्योंकि यार मैं सो गया था और अभी जाके उठा, मतलब मैं सुबह फजर टाइम सो फजर की नमाज़ पढ़ के सो गया था। मुझे था कि मतलब मैं उठ जाऊँगा इंटर्नशिप के लिए, लेकिन आंग जाए खुली मेरी 12 बजे। जब 12 बजे आँख खुली फिर मैंने बोला चलो छोड़ो अभी सो ही जाती, फिर मैं 5 बजे अभी सो के उठाऊँ। तो ये सिस्टम है। बाकी यार मौसम आप लोग चेक करो, मौसम माशाल्लाह यार ये ब्लर क्यों हो जाता है मुझे समझ नहीं आती, ब्लर एकदम से पता नहीं क्या सिस्टम है। अच्छा यार एक और बात ये कि वेगनार को कल हम लोग लेके गए थे, इसका करवाया था हमने काम, वेगनार का हमने काम करवाया था। तो लेकिन इसके एक टायर में से, राइट साइड वाले टायर में से फ्रंट से आवाज़ आ रही है अभी भी ब्रेक पे, तो वो भी अभी जाएंगे थोड़ी देर तक खाना शाना खा के जाके चेक करेंगे कि क्या मसला है, क्यों आवाज़ आ रही है। बाकी यार अभी चलते हैं, चल के खाना शाना खाते हैं और आप लोगों मेरी वो भी दिखा देता हूँ, माशाल्लाह से वॉश हुई भी है। और इस बिल्ली को भी चेक कर लो। चलो यार, अच्छा तो यार खाने में आज है सेवर, ठीक है, और खाना नहीं है मेरा तो नाश्ता हुआ ये, क्योंकि मेरा तो दिन का सबसे पहला वो है ना फूड, तो खैर लेकिन चलो हम काफ़ी टाइम बाद शाम के 5 बजे, 5 नहीं हो रहे तकरीबन 6 हो गए, शाम के 6 बजे नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन खैर अच्छा नाश्ता करते हैं फिर, नाश्ता नहीं यार खाना करते हैं, फिर देखते हैं क्या कोई नेक्स्ट सीन है। ओके सो गाइस, खाना हमने खा लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर, में मेहमान आ गए हैं तो चाय के लिए केक रस लेके आने पड़ेंगे, सो लेट्स गो और केक रस लेके आते हैं। सो लेट्स गो फास्ट फास्ट। गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन गाड़ी चाबी नहीं मिल रही, तो इसलिए मैंने बोला चलो पैदल ही जाते हैं, 11 नंबर सवारी। केक रस किधर है, ये है ना, सब बढ़िया। ये तो हमने ले लिया अलबासित से और घर भी हम पहुंच गए। यार ये देखो फिर से ब्लर, ये पता नहीं कैमरा क्यों ब्लर हो जाता है मेरा, पता नहीं क्या मसला है। चलते हैं, चलिए गाड़ी ढूंढते हैं, गाड़ी चाबी ढूंढते हैं और बस फिर निकलते हैं यार से काम करवाने के लिए। यार मैंने सोचा हम भी ज़रा चाय पी लेते हैं, तो मैंने भी चाय बनवा ली अपने लिए, मैं भी चाय पी रहा हूँ। यार अभी सीन कुछ रहा कि मैं वेट करूँ फिजान भाई का, फिजान भाई आए तो फिजान भाई के साथ जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला चला गया तो उसने फिर कोई मसला कर दिया तो फिर और रोला होगा, क्योंकि वो वैसे जानता है दानिश भाई को है और दानिश भाई ने बोला कि फिजान भाई को साथ लेके जाओ, तो फिजान भाई का भी कॉल किया मैंने, बस बोले 5 मिनट तक वो पहुँच जाएंगे और 5 मिनट तक मेरी चाय उम्मीद है ख़त्म हो जाएगी, आधे घंटे से पड़ी हुई है मेरे से पी जा नहीं रही, लेकिन फिर भी तो ये सीन है। बाकी फिजान भाई आए तो फिर करते हैं नेक्स्ट सीन। तो यार फिजान भाई ऑटो ले गए, फिर फिजान भाई आ गए और यार आप लोग चेक करें माशाल्लाह रेनबो लाइट से चल रही हैं, ये आपके हिसाब से चेंज भी रहती हैं और सब कुछ अभी टायर करने हैं इसलिए इस तरह की लुक नहीं आ रही। बाकी अंदर जो है अंदर भी मैंने एम्बियन लाइट्स लगाई हुई हैं। यार हमारी गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, माशाल्लाह वाजवा सुभान अल्लाह। इसके इंडिकेटर भी मैंने दूसरे स्मोक वाले लगवाए हैं इधर, स्मोक वाले। यार एक वंस अगेन मेरा ये इंस्टाग्राम है, आप लोग लाजमी जाके सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, फॉलो करें। बाकी फिजान भी आ गए, फिजान भी चलें, चलो गाड़ी की चाबी वो अंदर रखते हैं। अच्छा चलना, बाकी बाबा जी चलते हैं, चल के यार इसका करवाते हैं काम यार। अच्छा तो यार बस निकलते हैं, ठीक है, गाड़ी कॉल स्टार्ट हो रही है यार, ऐसे नहीं ऑन करना चाहिए। अच्छा बस यार निकलते हैं फिर और निकल के देखते हैं, चलते हैं उधर ही चल के देखते हैं क्या कोई सीन है, क्यों आवाज़ आ रही है इसके टायर में से। अच्छा तो यार ये उस्ताद जी चेक कर रहे हैं कि आवाज़ किस चीज़ की है किस चीज़ की नहीं है ब्रेक की। उस्ताद जी ने गाड़ी चला कर चेक किया, उनको खुद आवाज़ की समझ नहीं आई लेकिन वो चेक कर रहे हैं, वो अभी देख रहे हैं कि किस चीज़ की आवाज़ थी, क्योंकि आवाज़ ऐसी है कभी आवाज़ आती है कभी आवाज़ नहीं आती, लेकिन चलो चेक करते हैं क्या कोई सीन है। अच्छा तो यार अभी फिजान भी चेक करेंगे गाड़ी की आवाज़ गई है कि नहीं गई, असल में फिजान भी आवाज़ आती है कैसे आप बताएं जरा, जैसे घोड़े की आवाज़ होती है ऐसी आवाज़ निकाल रही है हल्की हल्की, गाड़ी के घोड़े होते हैं। हाँ गाड़ी के घोड़े होते हैं, उसके हाथ पाँव भी होते होंगे, सब कुछ होता है, ये जो साइड में लगे हैं ये तो से कान होंगे है ना। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ गोडे की आवाज है, गोडे की टक टक की सही। बाकी यार चेक करते हैं ऐसा क्या कोई सीन है और चेक करते हैं क्या है, चेक कर लेते हैं। असल में यार पता है मसला क्या हुआ, मेरा आज का दिन हो गया, सारा खराब,
क्योंकि आज जो मैं लेट हूँ ना, सुबह इंटर्नशिप पे भी नहीं गया, उसके बाद दिन का दिन भी फारिग गया है, जाके आँख खुली है 5:30 बजे, तो इसलिए आज का दिन तो मेरा सोते ही गुजरा है और रात आप लोग के सामने कैसे गुजर रही है, ये सीन है। बाकी यही सीन है, यही। अच्छा तो यार अभी फाइनल अपडेट कुछ तरह किया है, ये फिजान भी बताएंगे हमें। भाई हमें अपनी गाड़ी का रोन लगाया, लेकिन माजरत के साथ गाड़ी की आवाज नहीं जा रही। अभी हम फिर जा रहे हैं उधर मैकेनिक के पास, उनके साथ होंगे हम लोग, तो आप सब दुआ करेंगे इसकी आवाज चली जाए, उसके बाद आपको बता देंगे कि ये मसला गया है कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, क्योंकि यार आवाज जा ही नहीं रही, उल्टा आवाज ज्यादा हो गया है, पर ब्रेक से आवाज आ रही है, तो इस टाइम वापस यहाँ पे आ चुके हैं। दोबारा फोन कर दें, चले फिजान भाई की ओर सुनाने। अच्छा यार फिजान भाई ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि इसकी ना मतलब सर्विस करवाओ, सर्विस करवा के इसके नीचे ना डीजल वगैरह, डीजल और क्या मोबिलाइल लगवाओ, तो जो वाजे वगैरह है ना वो चले जाएंगे, क्योंकि गाड़ी खुश है जैसे, तो वो उसने मिस्त्री ने भी यही बात बोली है। तो यार अभी हम जाके सर्विस करवाएंगे गाड़ी की, और सर्विस करवा के फिर चेक करते हैं आवाज़ आती है कि नहीं यार। लेकिन एक बात है फिजान भाई, तजुर्बा है यार आपका, है ना। बाकी यार चलते हैं, चल के इसकी सर्विस करवाते हैं और फिर चेक करते हैं आवाज गई है कि नहीं। यार जापानी गाड़ियों का यही मसला होता है, जापानी गाड़ियों का ये सीन है, गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, ठीक है, ऑप्शंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब बेहतरीन है, और ऊपर से गाड़ी हैवी सेमी हाइब्रिड हाइब्रिड तो मतलब सब सेट है, लेकिन ये जो छोटी मोटी आवाज़ें आने लग जाती हैं ना इन गाड़ियों में से, ये बड़ा रोल है, क्योंकि जो पाकिस्तान की लोकल गाड़ियाँ हैं वो तो यहाँ पे लोकल चलती हैं, उनको बेशक खड्डों में मारो जो मर्जी करो, उनको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो असेंबली यहाँ के हिसाब से हुई होती हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ चलने वाली नहीं है, लेकिन खैर जो भी है अभी एहतियात करो आप। नहीं मैं इसी हक में था कि जापानीज गाड़ी ही लेनी चाहिए, लेकिन यार अभी जो ये मसला थोड़े बहुत मसले आ रहे थे ना बीच में, ये फिर तंग होता है बंदा बहुत ज़्यादा, बंदे ऐसे काम ही करवाते रहे फिर हमेशा। लेकिन खैर अभी चलते हैं, चल के इसकी सर्विस करवाते हैं और चेक करते हैं कि ये वाली आवाज़ ख़त्म होती है कि नहीं। मेरा ये करीबों को हमने अभी ऑयल चेंज करवाया था लास्ट, तो ये उसी का पड़ा है, मोबिलाइल, मोबिलाइल होता है ऑयल जो चलता है गाड़ियों में। तो यार ऑल्टो खड़ी हुई है, लेकिन इसको भी साफ़ करने का मेरा दिल है वॉश करवाने का, लेकिन यार इसका भी ज़रूरी है तो इसी को करवाते हैं, और दोनों गाड़ियों तो मैं साथ लेके जा नहीं सकता, तो इसी में चलते हैं और इसका करवाते हैं। ओ भाई सफ़र अभी पता है मैंने करना क्या है, अभी मैंने करना कुछ इस तरह क्या है कि जो ये ऑयल है ना इसके अंदर मैंने डलवाना है 100 रुपये का डीजल, ठीक है, और डीजल और ऑयल को चंगा मिक्स करना है, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर बना के फिर मैंने उसको बोलना है भाई जान ये गाड़ी के नीचे ना पूरा लगा दो, उससे ये होगा जो खुश हुई है गाड़ी वो सही हो जाएगी और ये आवाज़ें जो हैं इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आवाज़ का पता है क्या सीन है यार, ये सीन होता है आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस जगह से आ रही है, ये इजी होता है। अभी जरा हमें जब आवाज़ आ रही थी हमें ये था कि लेफ्ट साइड से आ रही है, पहले मुझे था राइट साइड से आ रही है, लेकिन जब गाड़ी में खुद चलाई है लेफ्ट साइड से आवाज़ आ रही थी, लेकिन आवाज़ किस चीज़ की आ रही है ये चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये हम लोगों ने भी अभी तक तो इनकी यही साइकी इन्होंने लड़ाई है मेरे मतलब फिजान भाई ने भी और वो मैकेनिक ने भी कि गाड़ी को डीजल वगैरह नीचे लगवाओ तो ये पुश वगैरह की आवाज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, तो ये अब करवा के देखते हैं तो फिर ही पता लगेगा। बाकी बस अभी चलते हैं पेट्रोल पंप चल के इसमें डीजल डलवाते हैं और डीजल डलवा के फिर चलते हैं कार वॉश पे। अच्छा यार पेट्रोल हो रहा है महंगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, और इतना रश है इस पर, मैं तो वो डीजल भी डलवा के लेके आया हूँ इसमें। ओह सर 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 ये चेक करो, एक भाई इधर ही आए। अच्छा तो यार मैं कहाँ था, पेट्रोल 20 रुपये पता नहीं कितना महंगा हो रहा है, मुझे पता नहीं है खैर, लेकिन ये है कि रश बहुत ज़्यादा है यार, क्या फ़ायदा यार, अभी आप लोग आज पेट्रोल डलवाओगे कल को फिर ख़त्म हुआ होगा, फिर तो नए रेट पे डलवाना पड़ेगा। खैर क्या बोल सकते हैं अब, हम हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। हम चलते हैं चल के, ओ भाई ये क्या हुआ। अच्छा खैर यार चलते हैं चल के इसको वॉश करवाते हैं, सर्विस सर्विस बैक एट द कार वॉश शॉप, गाड़ी खड़ी करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा तो यार गाड़ी साफ़ हो चुकी है, ठीक है, बस इसको भी हवा शवा मारनी है, और मैं ना अभी वहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी लेके आऊँ तो आवाज़ नहीं आ रही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी देखते हैं
फिर ज़्यादा चलाएंगे तभी पता लगेगी, लेकिन अभी तक तो आवाज़ नहीं आ रही। बाकी अभी गाड़ी जो है उसको सुखाएंगे ये अंदर बाहर से, इसको मैंने उनको बोला पॉलिश वगैरह भी कर दो, वो करवाते हैं फिर निकलते हैं यार यहाँ से। क्योंकि यार मेरा जो सीन होता है ना वो ये कि 12 बजे से पहले पहले ब्लॉग में अपलोड कर दूँ, लेकिन वो फिर लेट हो जाता हूँ, इसलिए फिर 12 बजे के बाद ही ब्लॉग अपलोड होता है। और आज मुझे लगता है 12 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि आज उठा इतना लेट हूँ और फिर ये सारा सीन था। खैर गाड़ी का काम क्लियर करवाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। बाहर से तो गाड़ी यार अभी साफ हो ही गई है, और अंदर से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर से तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अंदर से भी करनी है इन्होंने, अंदर से गंदी है। बाय करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ओके सो यार अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएफ कार वॉश है हमारी गाड़ी, पीपीएफ तो नहीं हुई लेकिन कार वॉश ये रहा सब भर रहा। मैं एसी ऑन करूँ, हो सकता है आपको भी टक टक की आवाज़ें आ रही हूँ, ये ब्रेक की है क्योंकि वो ब्रेक पे पानी लग गया ना, तो वो जो होता है वो हुआ ये। बाकी जो दूसरी आवाज़ थी जो आ रही थी वो अभी हम, मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा सब्र करें, मैं गाड़ी ज़रा सीधी कर लूँ ये। अच्छा तो यार जो आवाज़ आ रही थी ब्रेक पे, मतलब वो टक टक टाइप सी जो भी थी, पता नहीं मैंने आप लोगों को नहीं सुनाई क्योंकि वो वैसे इतनी विजिबल नहीं थी ना, लेकिन यार वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चली गई बस ठीक है। इसका बस एक इशू है, वो पता नहीं इशू है या नॉर्मल है, मैंने दानिश भाई से पूछा था, वो बोलते नॉर्मल है, वो ये कि एसी इसका बार बार ट्रिप करता है ठीक है, और रेस पे नहीं करता, अभी मैं रेस दे रहा हूँ, सिंपली गाड़ी जा रही है, एसी ऑन है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ब्रेक दूंगा ना तो एसी बार बार ट्रिप करेगा इसका, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी खैर जो गाड़ी है माशाल्लाह बेहतरीन है, मतलब अभी जो आवाज़ें आ रही थी वो उन्होंने बोला था कि गाड़ी की सर्विस करवाओ आप, बेहतरीन डीजल लगवाओ तो वो सेट हो जाएगी, और डीजल वगैरह मैंने लगवा ली है, बेहतरीन हो गया बिल्कुल, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही, अभी तक तो सही जा रही है। और बाकी यार इस गाड़ी की ड्राइव बहुत सुंदर था माशाल्लाह। अच्छा हाँ मज़े की बात यार, पूरे 2 घंटे लगे हैं गाड़ी को बोस का इसकी सर्विस होने में और सब कुछ, पता नहीं यार वीडियो बंद क्यों की थी। हाँ मैं क्या बता रहा था, 2 घंटे लगे, मैं 9 बजे आया था ठीक है, और अभी तकरीबन 11 बज गए हैं, मतलब 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटों में गाड़ी की सर्विस हुई है, पॉलिश भी हुई है, सब कुछ पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो बाकी यार मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कमेंट एंड शेयर द व्लॉग, सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।